गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 cm, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। किसी लेंथ जो है सर्किल का लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है 4 सेंटीमीटर हो तो रेडियस ऑफ सर्किल बताइए। इसके लिए हमने एक फिगर बनाया सर्किल। इस सर्किल पर सेंटर ओ से डिस्टेंस हमने पी रख दिया 5 सेंटीमीटर और पॉइंट पी से लेंथ ऑफ टेंजेंट को 4 सेंटीमीटर बना दिया। इसके बाद आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्किल दैट इज ओ क्यू बताना है आपको। और आप जानते हैं थ्योरम से ही कि अगर हम सेंटर से किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमने 90 का सिंबल बना दिया। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल OQQ मौजूद है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OQP में आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। OP² = OQ² + PQ² वैल्यू को रख दिया जाए ओपी की वैल्यू 5² = OQ² PQ की वैल्यू 4 है तो 4² देन 5² 25 और 4² 16 को उधर ले आए तो 25 - 16 = OQ² देन OQ² = 9 देन OQ = √9 और OQ का वैल्यू आपको 3 मिल गया। सो रेडियस इज इक्वल 3 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया। यही रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया, आंसर हो गया आपका। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन कल देखेंगे। दैट्स ऑल।